है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर, जी हां, शिवपाल सिंह यादव ने किया ऐलान, नेताजी मुलायम सिंह यादव को वोट डालने जाएंगे सैफई, केवल उन्हीं की सीट पर मैनपुरी में साइकिल पर डालेंगे वोट। फिरोजाबाद में जनसंपर्क के दौरान दिया ये बड़ा बयान। फिरोजाबाद में आज शिवपाल यादव ने जनसंपर्क के दौरान दिया एक बड़ा बयान। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर कि आपका वोट सैफई में है, आप किसको वोट डालेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह अपने बड़े भाई नेताजी मुलायम सिंह यादव को वोट डालने ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वह उनका समर्थन करते हैं। केवल एक जगह ही वह साइकिल में वोट डालेंगे। उसके अलावा उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि फिरोजाबाद की जनता ने उन्हें बुलाया है, उनके बुलावे पर वो यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। अब चुनाव में कोई भी भाई भतीजावाद और परिवार नहीं चलेगा, अब केवल जनता के मुद्दे और विकास की बात की जाएगी। देखिए, फिरोजाबाद जनपद में बहुत सी समस्याएं, गैस की समस्या है, बिजली की समस्या है और भी समस्याएं हैं, और मुख्य मुद्दा है हमारे सामने फिरोजाबाद का सपोर्ट मुद्दा। तो ये सपोर्ट में बिजली की समस्याएं हैं, गली हैं, ट्रेंजे हैं, सीसी रोड है, ये समस्याओं को हमें हल करना है। एक परिवार से दो पार्टियां बनी हैं, वोट बैंक कितना बढ़ेगा, कितना आपको जाएगा, कितना वहां जाएगा, क्या लगता है? देखिए, हमें 80% से ऊपर जाएगा, कहीं के 90%, कहीं 95%, और उसको तो बहुत पीछे रहना है, पार्टी को भी पीछे रहना है, और ये जो अलायंस हुआ है उसको भी बहुत पीछे। क्या वजह रही, इतनी बड़ी क्या वजह हो गई कि परिवार से दो पार्टियां बन गई? अब वजह तो सबको पता है, अब वजह पे कब तक जाऊँ, अब नहीं जाना है, अब ना भाई देखना है, ना परिवार देखना है, ना भतीजा देखना है। शिवपाल यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो प्रदेश यहाँ पर बुला लिया है हमको, यहाँ की जनता ने तो आ गया, आ गया, चुनाव मैदान में है। अब चुनाव मैदान में तो अब ये टिकने वाले हैं नहीं कोई भी, बड़ी बड़ी विजय। एक प्रश्न जहन में है, आप चाबी चुनाव जिनसे पसंद चुनाव लड़ रहे हैं, आपका वोट सैफई में, क्या आप अपना वोट मतदान करने जाएंगे, और करने जाएंगे तो क्या आप साइकिल में वोट डालेंगे? नेताजी को डालेंगे, नेताजी का चुनाव चिन्ह साइकिल है तो उसमें डालेंगे नेताजी को, एक सीट पर। मैंने पहले ही कहा है कि नेताजी को समर्थन। भतीजे से जो एक आशीर्वाद वाली बात आई थी, उसमें क्या ऐसा स्थिति बनी कि आशीर्वाद बाद में दिया जाएगा, पहले नहीं चुनाव के पंचायत सदस्य? तो वो हमारे पास जब आए तो मिले भी नहीं अभी तक, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, जब चुनाव घोषणा के बाद मिले नहीं तो काहे का फिर आशीर्वाद? ऐसा तो है नहीं कि आशीर्वाद बंदूक की गोली से निकालो खून जाए तो जाएगा नहीं। और अब देखा जाए, चुनाव के बाद मैंने कहा, उन्होंने कहा आशीर्वाद देना चाहिए, हमें चुनाव के बाद आशीर्वाद ले जाना। क्या लगता है कि आप चुनाव जीतते हैं और गठबंधन के साथ आप जाएंगे? देखिए, अभी इसमें तो निर्णय लेना पड़ेगा, जब रिजल्ट आएगा। अभी अभी की स्थिति रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो हमारा सेंटर परिवर्तन करेगा, निर्णय करेगा। राहुल गांधी जिस तरह से बातें कर रहे हैं, 370 धारा के बात नहीं करेंगे, राजद्रोह हटा देंगे, एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर आप इस बात को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो उसके बारे में यहाँ पे कोई कार्यकर्ता भी नहीं, तो उनके बारे में क्या सोचें? जिस तरह से बातें कर रहे हैं, 370 हटा देंगे, सेना वापस बुला लेंगे, एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पे आपका, आपकी पार्टी का विचार क्या है? देखिए, जो हमने घोषणा पत्र दिया है उसमें सब लिख दिया है, जो मुझे करना है पहले हम घोषणा पत्र सत्ता में आए तो घोषणा पत्र जारी किया,
देखा जाए, फिर बात करेंगे। अंतिम प्रश्न आपसे मेरा, ये माना जा रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट सपा और बसपा के मुकाबले कमजोर है, क्या उसका फायदा बसपा को मिलेगा? अच्छा ये बताओ, हमारी वहाँ पर किसके संबंध में बात है? नहीं, मैं वोट की बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा। इन दोनों के लड़ाई में कमजोर कैंडिडेट का फायदा किस पार्टी को मिलेगा? देखो, यहाँ की जनता सब तो सभी पर है, और यहाँ जातीय दल भी टूट गए हैं और जातीय समीकरण भी टूटे हैं, सब टूट चुके हैं हमारे चुनाव, सब वोट देना चाह रहे हैं। आपके अपने शहर फिरोजाबाद में बेहतर सुविधाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर दयानंद जैन मेमोरियल हॉस्पिटल, यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के रोगों के लिए काय चिकित्सक द्वारा परामर्श उपलब्ध, फोन द्वारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध, ऑपरेशन सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, गर्भपात की सुविधा, कॉल्पोस्कोपी, फ्रीडम 5, कॉपर टी की सुविधा, नेबुलाइजर की सुविधा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, हिस्टेरेक्टमी सुविधा आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर बीना जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, डॉक्टर शिखा जैन, पता जैन नगर फिरोजाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर 8439827781।